हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सतेंद्र। अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल मनोविज्ञान पढ़ा रहा था और आज मैंने बुद्धि पर अपना पहला लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। तो प्लीज़ अगर इस लेक्चर को अगर आप लोग देख रहे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस पर मैं अपनी लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करूँगा और इस चैप्टर को मैं आपको कोशिश करूँगा कि कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे वो एम पी टेट का हो, चाहे वो यू पी टेट का हो, चाहे वो सी टेट का हो, चाहे अदर किसी भी टेट एग्ज़ाम का पेपर हो, उसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, बाल मनोविज्ञान, पेडागोजी है, वो आपका तैयार हो जाए। तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक बार चैनल पर विज़िट कीजिएगा। आप लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट जो होगा थोड़ा सरल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो कोशिश करिए कि आप वर्तमान में जो कोरोना की जो स्थिति बनी हुई है, सभी लोगों को मैं कहूँगा घर पर रहेंगे। अगर चाहते हैं कि अपना देश आगे बढ़े, सुरक्षित रहे, सेफ रहे और एक हम लोग आगे बढ़ते रहें, तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। जब सरकार जो है हमारे लिए पूरी जी जान से लगी हुई है, प्रशासन लगा हुआ है, डॉक्टर लगे हुए हैं, सिपाही लगे हुए हैं, सब अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो हम लोग भी तो अपनी जिम्मेदारी घर पर रह के व्यक्त कर सकते हैं और थोड़ा बहुत योगदान भी कर सकते हैं सरकार की केयर योजना में भी, जो जिसकी जितना सक्षम हो उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये तो रही एक बात। अब हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड लेक्चर है बुद्धि पर। अब देखिएगा, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बुद्धि के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई बोले कि बुद्धि के प्रकार किसने दिए, तो ध्यान रखिएगा थॉर्नडाइक और गैरेट, दो मनोवैज्ञानिक का नाम आता है जिन्होंने बुद्धि को तीन भागों में बांटा है। एक थॉर्नडाइक, और थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि का वर्गीकरण किया या बुद्धि के प्रकार बताए, उसकी थ्योरी को गैरेट ने भी सपोर्ट किया। तो कभी कभार एग्जाम में ये भी लिखा आ जाता है कि बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक के अलावा किसने दिए, तो गैरेट का भी नाम ध्यान में रखना है। कितने प्रकार होते हैं बुद्धि के? तीन प्रकार होते हैं, एक मूर्त, दूसरा अमूर्त और तीसरा सामाजिक। ठीक है, मूर्त को बोलते हैं कॉन्क्रीट, अमूर्त को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट और सामाजिक को बोलते हैं सोशल। इतनी बात हो गई। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों में ही जो आपके सामने जो थ्योरी लिखी हुई है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले मूर्त बुद्धि समझेंगे हम लोग। मूर्त बुद्धि कॉन्क्रीट या क्रियात्मक या व्यवहारिक, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, मूर्त बुद्धि को हम लोगों ने क्रियात्मक बोला और व्यवहारिक बुद्धि बोला। सामान्यतः इस बुद्धि का ही प्रयोग ज़्यादा उपयोग में किया जाता है, पहली बात तो ये। अब देखिएगा होती क्या है मूर्त बुद्धि। जैसे नाम से पता चल रहा है, मूर्त, मूर्त का अर्थ होता है जो चीज स्पष्ट हमें दिखाई दे। इस बुद्धि को हम लोग स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। स्थूल का अर्थ होता है कोई भी चीज हम लोग को प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, मोटी मोटी, बड़ी बड़ी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इस बुद्धि को स्थूल बुद्धि भी बोलते हैं। और सामान्यतः यह बुद्धि जो होती है, इस बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछते हैं कि इनमें से यांत्रिक बुद्धि का प्रकार है, तो ध्यान में रखना है मूर्त बुद्धि। और यह बुद्धि इंजीनियर्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, जितने भी इंजीनियर्स, अभियंता होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। या मैं स्पष्ट बोलूँ एक बात, जो लोग मशीनों से और यंत्रों से कार्य करते हैं या उनमें रुचि रखते हैं, तो ये बुद्धि उनमें पाई जाती है। जैसे मैं एक आपसे बोलूँ, कोई गाड़ी सुधारने वाला व्यक्ति, ठीक है, गाड़ी सुधारने वाला जो व्यक्ति है, वर्कर जो है, जो आपकी गाड़ी को रिपेयर कर रहा है, वो मूर्त बुद्धि में ही शामिल किया जाएगा। ट्रेन के डब्बे, हवाई जहाज के डब्बे, जहाज के डब्बे जो बना रहे हैं, वो आपके यांत्रिक बुद्धि ही है, वो मूर्त बुद्धि ही है, जो स्पष्ट चीज़ों को देख कर, स्थूल चीज़ों को देख कर, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और जो चीज़ स्पष्ट दिखाई दे, जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक मार्कर है, ये मार्कर जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये स्थूल बुद्धि है और मूर्त बुद्धि है। अगर मैं आपसे ये बोलता कि ये मार्कर किन तत्वों से बना है, तो मैं नहीं बता पाता शायद, तो वो बुद्धि बन जाती आपकी अमूर्त बुद्धि। अगर आप पढ़ रहे हैं और आप डिजिटल बोर्ड को देख रहे हैं, तो वो बनाया गया जो है, जो दिखाई दे रहा है, वो मूर्त बुद्धि है। ठीक है, अब उस बोर्ड के पीछे क्या है मुझे नहीं पता, वो अमूर्त बुद्धि है। सिंपल भाषा में मूर्त बुद्धि का अर्थ मशीन और यंत्रों से लगाया जाता है। इंजीनियर्स में यह बुद्धि देखी जाती है, जो मशीनों को सही करने का, रिपेयर करने का काम करते हैं। ट्रेन के डब्बे, हवाई जहाज, सारे एग्जाम्पल आपके मूर्त हैं।
अब मैं आपसे मूर्त बुद्धि के थोड़े एग्जाम्पल देता हूँ। इंजीनियर बोल दिया मैंने, डॉक्टर जो होता है वो भी मूर्त बुद्धि में ही शामिल किया जाता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप अगर आपके हाथ का ऑपरेशन होना है, उसकी सर्जरी होना है, तो सर्जरी क्या वो बिना देखे करेगा? देख के करेगा। इसलिए डॉक्टर जो होता है मूर्त बुद्धि के भीतर शामिल किया जाता है। इतिहासकार भी मूर्त बुद्धि में ही शामिल करा जाता है। अब कैसे बोला मैंने इतिहासकार, मैं बोलूँ आपसे सिंधु घाटी की सभ्यता का पता कैसे चला? खुदाई में जो मूर्तियाँ मिली हैं उन मूर्तियों को देखकर उस पर कुछ भी लिखावट पाई गई है तो वो मूर्त बुद्धि में ही शामिल की गई है। ध्यान रखिएगा, एक वास्तुकार होता है जिसे आर्किटेक्ट बोलते हैं, बिल्डिंग बनाने वाला जो होता है वो भी मूर्त बुद्धि में ही आता है, वो चीज़ों को देख के करता है आपका। एक व्यापारी हो गया, गल्ला व्यापारी हो गया, साड़ी का दुकानदार वाला हो गया, गेहूं का दुकानदार हो गया, वो गल्ला गेहूं खरीदता है तो दाने को देख कर कार्य करता है। स्थूल है जो दिखाई दे रहा है वो सारा आपका मूर्त बुद्धि में ही शामिल किया जाता है। आई होप अब आपको मूर्त बुद्धि समझ में आ गई होगी और इस बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग हम लोग करते हैं, इसको व्यवहार या क्रियात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। और यहाँ पर संवेदनाओं का प्रयोग करके किसी चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो ये थी आपकी मूर्त बुद्धि। अगर आपसे बोलूँ मैं घड़ी में टाइम कितना हो रहा है या आपकी घड़ी में घर में कितना टाइम हो रहा है, अगर आप उससे बोलते हो इस घड़ी से उस घड़ी को मिला रहे हैं, जो मैच कर रहे हैं, जो मशीन है, तो ये मूर्त बुद्धि ही है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं बुद्धि का नेक्स्ट प्रकार, अमूर्त बुद्धि। अमूर्त का अर्थ होता है सूक्ष्म। तो कभी कभार अमूर्त बुद्धि को सूक्ष्म बुद्धि भी बोला जाता है। सूक्ष्म का अर्थ हो गया कि छोटा छोटा, जो छोटे छोटे बिंदुओं पर चिंतन करना अमूर्त बुद्धि है, या जो चीज़ें नहीं हैं हमारे सामने उन पर सोचना अमूर्त बुद्धि है। अब कौन क्या थ्योरी अमूर्त बुद्धि में शामिल होगी, इसको ध्यान से समझते हैं। देखिएगा, इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से है। ठीक है, यानी कि किताबी ज्ञान की बात कर रहा है। ये बालक पढ़ने में रुचि लेते हैं, यानी कि किताब पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इस बुद्धि के बालक वैज्ञानिक, डॉक्टर देखिए मूर्त में सर्जरी के रूप में बताया और यहाँ पर आपका किताबी ज्ञान के रूप में आया। ठीक है, इस बुद्धि के बालक वैज्ञानिक, डॉक्टर और दर्शन शास्त्री, फिलोसफर और लेखक आदि बनते हैं, जो आपके अंतर्मुखी, समझते हैं ना, अंतर्मुखी का मतलब जो अपने आप में, अपने जैसे एक डॉक्टर है या एक आपका वो हो गया साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट को आप देखिएगा अपनी दुनिया में खोया हुआ रहता है। राइटर भी अपने आप में गुनगुनाते रहते हैं अपने आप में। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ना, जो बुक्स से जुड़े हुए होते हैं, वो आपके अमूर्त बुद्धि में ही शामिल किए गए हैं। ध्यान रखेंगे, इतनी बात हो गई। और ऐसे व्यक्ति अंतर्मुखी टाइप के होते हैं, वैज्ञानिक हो गए, दार्शनिक हो गए, राइटर्स हो गए, लेखक हो गए, ये सारे के सारे अमूर्त बुद्धि के भीतर, साहित्यकार लोग जो होते हैं, कवि जो होते हैं, वो अमूर्त बुद्धि में, कुमार विश्वास टाइप के लोग अमूर्त बुद्धि में ही शामिल किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, लेखक एक्सेट्रा, इतनी बात हो गई। अब हम लोग बुद्धि का तीसरा प्रकार देखेंगे, जैसे हम लोग सामाजिक बुद्धि बोलते हैं। ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है सामाजिक, यानी कि ये वो बुद्धि है, बच्चों का या व्यक्तियों का इंटरेस्ट सोशल बिहेवियर से होता है या सामाजिक व्यवहार से होता है। ये बालक अपना सामाजिक जीवन सही ढंग से व्यतीत करते हैं, यानी कि इधर वो लोग आएंगे जो सोसाइटी को अच्छी तरीके से समझते हैं और उसमें बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होते हैं और अपनी बातों को चार लोगों के सामने बेहतर तरीके से रखते हैं। और ऐसे लोग बहिर्मुखी या एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं। कहने का अर्थ ये है, लोगों को पसंद भी आ सकते हैं ये अपनी बातों को, क्योंकि सोसाइटी से इन्वॉल्व होते हैं। इसमें आपके नेता, पॉलिटिशियन, कूटनीतिज्ञ टाइप के लोग इसमें शामिल किए जाते हैं। इसमें एनजीओ वर्कर्स भी, या एनजीओ भी जो होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं, नेता हो गए, प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख हो गए, इस सारे के सारे इसमें आ जाएंगे आपके। ठीक है, जो सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं इसमें, इस बुद्धि में शामिल होंगे। बहिर्मुखी है, ठीक है, जो समाज से काम करता है आपका, तो और सामाजिक जीवन में सही ढंग से जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये होते हैं आपके बुद्धि के प्रकार, तीन प्रकार मैंने आपको बताए, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। और आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम लोग लेक्चर को आगे ले जाते हैं। अब यहाँ पर
मैं आप लोगों को बुद्धि की विशेषताएं बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, बुद्धि जो होती है हर इंसान में है, प्राणी जगत में है, मानव जगत में है, और जंतु जगत में भी थोड़ी बहुत, जानवरों में भी बुद्धि होती ही है ना। तो बुद्धि एक जन्मजात है, यानी बायोलॉजिकल जैविक, और एक प्राकृतिक है, होती है सब में, नेचुरल है, ठीक है। अब देखिएगा, बुद्धि तीन तत्वों का एक मिक्सर कहलाती है। एक समायोजन, कैसे एडजस्ट करना, दूसरा आमूर्त चिंतन और अधिगम का नाम है। यानी कि बुद्धि समायोजन, आमूर्त चिंतन और अधिगम का मिश्रण या एक रूप है। तीन चीजें आपको ध्यान में रखना। अब देखिएगा, बुद्धि परिवर्तनशील और विकासशील होती है। बुद्धि जो होती है परिवर्तन यानी कि चेंज, और विकासशील यानी कि डेवलप, उसमें डेवलपमेंट होता रहता है। अब मैंने किस बेस पे बोला कि बुद्धि में परिवर्तनशील होता है? कोई ना कोई, देखो आपने आईक्यू सुने हैं, आईक्यू, अब किसी का आईक्यू 80, किसी का 90, किसी का 100, ये बुद्धि के आईक्यू या इंटेलिजेंसी में वेरिएशन देख रहे हो, ये परिवर्तन ही तो है। यानी कि बुद्धि परिवर्तनशील होती है और उसमें हम लोग विकास या डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ, आपके सामने अगर कोई बालक है और उसकी उसका सोचने समझने की शक्ति कम है या उसका आईक्यू कम है, लेकिन हम ट्रेनिंग के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा अगर उस पर मेहनत करें और उसको प्रॉपर एक वातावरण मिल जाए, एक ऐसा माहौल मिल जाए और एक ऐसा गाइडेंस मिल जाए और एक समझाने वाला मिल जाए उसको, तो वो उसकी बुद्धि में परिवर्तन करके उसको ऊपर की ओर ले जा सकता है और उसमें सुधार भी कर सकता है। इसलिए अपन ने बोला कि बुद्धि परिवर्तनशील और विकासशील होती है, और बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव तो सबसे ज़्यादा रहेगा। सिंपल सी बात है, प्रशिक्षण, शिक्षा एवं वंशानुक्रम आदि का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब देखिएगा, इंसान जब पैदा हुआ था तो ज्ञान लेकर पैदा हुआ था कि बुद्धि लेकर पैदा हुआ था? बुद्धि लेकर पैदा हुआ था ब्रेन में। यानी कि अर्थ ये है, अगर कोई इंसान के पास बुद्धि है तो वो ज्ञान को बढ़ा सकता है, क्योंकि बुद्धि लेके पैदा हुआ है। यानी कि बुद्धि ज्ञान से बड़ी होती है, एक बेसिक फैक्ट इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव 95% तथा जेनेटिक्स का 3.5 ऐसे समथिंग का प्रभाव पड़ता है। ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि किसी का भी डेवलपमेंट होगा या किसी का भी विकास होगा, उस पर वातावरण का प्रभाव ज़्यादा होता है, और जेनेटिक्स जो होता है, जैविक, बहुत कम प्रभाव देखा गया है, ठीक है। यहाँ 95% लिख रखा है, कहीं कहीं और ज़्यादा भी देखने को मिलता है, 97-98 तक भी बताया गया है। तो ये परसेंटेज में कन्फ्यूज़न मत होइएगा, बस इतना ध्यान में रखिएगा सराउंडिंग एटमोसफियर का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वही बात हो गई ना, ये हमारे सामने जो चीज़ होंगी एटमॉस्फेयर में, हम वही ज़्यादा सीखते हैं, हमारे आसपास लोग कैसे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि बुद्धि पर पूरा सभी का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये बेसिक बेसिक जानकारी है। धर्म, जाति, लिंग, इन सब चीज़ों का बुद्धि से कनेक्शन नहीं है, इन सब का प्रभाव नहीं माना जाता सामान्यतः। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। अब हम लोग लेक्चर को आगे ले जाते हैं। चलिए, अब हमारा प्रिंसिपल जो होते हैं बुद्धि पर, प्रिंसिपल की कक्षा स्टार्ट हो गई, यानी कि बुद्धि पर पार्ट टू ये है। अब यहाँ पर आपके बहुत सारे प्रिंसिपल आएंगे, एक खंड, दो खंड, बहुकारक, बहुकारक, बहुबुद्धि, गार्डनर का सिद्धांत, बहुत सारे प्रिंसिपल आएंगे, स्टैनबर्ग का प्रिंसिपल आएगा, अल्फ्रेड बिने का आएगा। तो अब हमारी लेक्चर सीरीज में सिद्धांत देखने को मिलेंगे आपको। आज हम लोग एक ही सिद्धांत करेंगे, पार्ट थ्री आएगा उसमें हम लोग सिद्धांत कंटिन्यू करना चालू कर देंगे, ठीक है। कोशिश करी है कि लेक्चर को बहुत ज़्यादा नहीं रखा जाए, एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में आपको चीज़ें जो होती हैं कॉम्पैक्ट हों और आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्रिस्टल की तरह समझ में आ जाए। चलिए, पहला सिद्धांत है एक खंड, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक खंड या एक तत्व या एक कारक, यानी कि वन फैक्टर थ्योरी। किसने दी? प्रतिपादक हैं अल्फ्रेड बिने, ठीक है। एक खंड का सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड बिने ने, और ये BTS का अर्थ होता है बिने टर्मन स्टंट। कहने का अर्थ ये है कि जो एक खंड का सिद्धांत के फाउंडर हैं अल्फ्रेड बिने, और टी से है टर्मन और एस से स्टर्न, यानी कि टर्मन और स्टर्न ने भी बिने के एक खंड सिद्धांत को सपोर्ट या समर्थन दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अल्फ्रेड बिने बोलते हैं कि बुद्धि में एक तत्व मौजूद होता है। अब क्या हुआ क्या कि जब बिने बोल रहे हैं कि बुद्धि में एक तत्व मौजूद होता है, सभी लोगों में बुद्धि का एक तत्व मौजूद होता है, या बुद्धि जो होती है समान होती है,
कुछ लोगों ने आलोचना करी कि आप बोल रहे हो कि बुद्धि में एक तत्व है और समानता देखी जा रही है, तो लोग एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं करते? अगर एक ही तत्व है तो सभी लोगों को एक ही जैसा व्यवहार करना चाहिए, तो ऐसा व्यवहार नहीं देखा गया इनके सिद्धांत में। ठीक है, अब ये एक तत्व की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ दो, तो दो तो विभाज्य हो सकता है, दो को डिवाइड कर सकते हो। चार जो होता है, चार को भी दो से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन एक जो होता है, एक को डिवाइड नहीं किया जा पाता, इसलिए इनका सिद्धांत अविभाज्य का सिद्धांत और निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहलाता है। निरंकुशवादी का अर्थ ये हो गया कि ये बोलते हैं कि बुद्धि में एक ही तत्व है और अपनी बात को ये मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, सभी में एक तत्व है या समानता देखी जा रही है। तो कुछ लोग आलोचना करते हैं कि एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं देखा जा रहा है, और जब बुद्धि में एक तत्व है तो ये अविभाज्य का सिद्धांत, क्योंकि एक विभाज्य नहीं हो रहा है और अपनी बात को बोल रहे हैं कि ये सही है, तो इसलिए ये अपनी बात को मनवाने के लिए इनको निरंकुशवादी भी सिद्धांत भी कहा जाता है। निरंकुशवादी नहीं पूछा गया है, अविभाज्य का सिद्धांत आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बेसिक सी बात रही, और यह बुद्धि का प्रथम तथा सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। कौन सा? एक खंड का। किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। तो ये हमारा एक खंड का सिद्धांत था हमारे लेक्चर सीरीज पार्ट टू में। अब हम लोग के जो होते हैं, जो सभी जितने लेक्चर आएंगे वहाँ पर आपको सारे के सारे प्रिंसिपल में आपको सिद्धांत करा दूंगा। गिलफोर्ड है, बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर हम लोग बुद्धि का मेजरमेंट भी देखेंगे, बुद्धि का मापन भी देखेंगे, बुद्धि का भारत में विकास कैसे हुआ, आईक्यू के बारे में भी देखेंगे, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, थोड़ा बहुत और है बुद्धि पर, वो भी हम कंप्लीट करेंगे जितने वन लाइनर क्वेश्चंस जो होते हैं। मेंटल एज कैसे आया, आईक्यू कैसे आया, बुद्धि को मापते कैसे थे, तो ये लेक्चर सीरीज आपको कई पार्ट्स में देखने को मिलेगी, और कोशिश रहेगी कि यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन बन जाए। अब देखिएगा, अब आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा, अगर आप वॉच कर रहे हैं तो जैसा कि कुछ परिवर्तन किए गए स्टडी विद सतेंद्र में,